There lived a poor man who was so tired of being poor that his sole aim in life was to become rich and have a lot of money. Now, there was a village in which there lived a man, okay? And he was so tired of being poor, मतलब वो poor होने से इतना थक गया था कि he just wanted to be rich. He just wanted somehow to be rich. उसका सिर्फ एक ही aim था life में कि मुझे कुछ भी करके rich बनना है, alright? इन हिज डेस्पिरेशन का मतलब है डेस्परेट होना, डेस्परेट होने के फीलिंग को या उसके होने के सिचुएशन को हम डेस्परेशन कहते हैं. जब आप डेस्परेट होते हो, डेस्परेट मतलब बहुत ही ज़्यादा चाहते हो किसी चीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई टॉय पसंद है या आपको PS4 पसंद है, आप चाहते हो कि आपके पापा आपको PS4 दिलाएं, तो आप डेस्परेट हो PS4 के लिए, ओके? आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो, ऑलराइट? So desperation means to want something very, you know, very much. Here it is written hopelessness. I don't think this is the correct meaning of desperation. To be desperate basically means you want something, okay? But hopeless is something different. I don't think this is the correct meaning, children. Please check your dictionaries. All right. He had tried many means of making money, but he didn't get any satisfactory results. उसने मनी मेकिंग के बहुत सारे मीन्स ट्राई किए. मीन्स मतलब तरीके, ओके? ही ट्राइड वेरी मैनी डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग मनी बट ऑफ मेकिंग मनी बट ही डिड नॉट गिव एनी गेट एनी सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. दैट मीन्स ही वॉज अनएबल टू मेक मनी. देन वन डे समवन टोल्ड हिम ऑफ अ ग्रेट सूफी सेंट Hazrat Nizamuddin Aulia, who lived in Delhi. The poor man was told that the saint was very kind man with extremely wealthy followers. मतलब क्या हुआ इसका कि उस आदमी को जो कि poor होने से tired हो चुका था, उसको किसी ने बताया कि देखो, there is a Sufi saint who lives in Delhi and his name is Hazrat Nizamuddin Aulia. All right, and he also told him that the followers of Hazrat Nizamuddin Aulia, लाइक जैसे हिंदू लोग में हम लोग के पास गुरु होते हैं, सो वैसे ही सेंट्स होते हैं, सूफी सेंट्स कहते हैं हम मुस्लिम्स में, ऑलराइट? मुस्लिम रिलीजन में. सो दैट मैन टोल्ड हिम कि जो सेंट हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही वेल्दी हैं, तो तुम उसके पास जाओ. ऐसे करके समबडी टोल्ड दैट पुअर मैन, ऑलराइट? नाउ हियर, श्योरली ही विल गिव मी इनफ मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड देन आई विल बी अ रिच मैन. So that person thought ki that Sufi saint will give me much money that I can put up a business and then I will be a very rich man. Okay. Though the villager thought the villager to himself, yani ki villager ne apne aap se socha ki mujhe wo saint paise de dega aur main ek apna business dalunga and then I will be a rich man. All right. Let's see next page now. The very next day he set off for Delhi where Sufi saint stayed. जो villager था, जो कि poor था, वो next day Delhi के लिए निकल जाता. Alright. He had to walk all the way as he could not afford a travel on horseback. He had to travel just a minute here. Okay. He had to walk all the way, that means the whole way he had to walk on his legs because he could not afford means he could not pay the worth of traveling on a horseback. Pay the worth means uska jo paisa hai jo ki horseback pe travel karne ke liye lagega, jo uska keemat hai वो नहीं पे कर सकता था. अफोर्ड का मतलब होता है जब आप किसी का वर्थ पे नहीं कर पाते. अफोर्ड हम सिर्फ पैसे वाली चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करते चिल्ड्रन, हम अफोर्ड किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू अ मिस्टेक. दैट मीन्स कि मैं ये मिस्टेक करना का रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज इस मिस्टेक के जो रिजल्ट होंगे वो मेरे लिए ख़राब होंगे. सो यहाँ पे अफोर्ड का मतलब पैसे से है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकता था जो कि हॉर्स बैक पर ट्रैवल करने के लिए लगेगा.
लेकिन हम अफोर्ड को बहुत अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, आई के नॉट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, आई के नॉट अफोर्ड टू फेल इन माई एग्जाम्स, अदरवाइज आई विल फेल इन माई होल सेमेस्टर. ऑल राइट, सो अफोर्ड मीन्स टू पे द वर्थ ऑफ समथिंग. ऑल राइट. टायर्ड एंड हंग्री, द पुअर मैन अराइव्ड एट द होम ऑफ सेंट एट लास्ट. ओके, जो अभी विलेजर था उसने चला खूब सारा, ओके, टू रीच द सेंट. अब वो थका हुआ भी था और भूखा भी था, सो ही रीच्ड एट द सेंट्स प्लेस. द सूफी ग्रीटेड हिम काइंडली एंड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स गाइडेड हिम टू वेयर ही कुड वॉश हिमसेल्फ एंड ब्रॉट हिम फूड टू ईट. अभी उनके जो एक फॉलोअर थे, ही गाइडेड हिम, मतलब उन्होंने उनको बताया कि कहाँ जाना है, सो दैट ही कैन वॉश हिमसेल्फ एंड ही ब्रॉट हिम फूड. आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, द विलेजर टोल्ड द सूफी द पर्पज ऑफ हिज विजिट. आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, द विलेजर टोल्ड द सूफी सेंट द पर्पज ऑफ हिज विजिट. पर्पज ऑफ हिज विजिट का मतलब यहाँ पे है कि वो वहाँ पे क्यों आया है. ओके, पर्पज का मतलब क्या होता है, वॉट इज़ द नीड ऑफ डूइंग समथिंग. ओके, वॉट इज़ द पर्पज ऑफ स्टडिंग, टू गेन नॉलेज. ऑल राइट, लाइक दैट. सो ही टोल्ड हिम द पर्पज ऑफ हिज विजिट. वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव मनी, द सूफी आस्ट. तो सूफी सेंट ने, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनसे पूछा कि तुमको इतना सारा पैसा क्यों चाहिए. द विलेजर रिप्लाइड, रिकाउंटेड हिज वोज. नाउ लेट्स सी वोज, वरीज एंड ट्रबल्स. रिकाउंटेड मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, देखो, रिकाउंटेड मतलब दोबारा काउंट करना. यहाँ पे दोबारा काउंट करने का मतलब है कि उन्होंने, जो विलेजर था उसने सेंट को दोबारा अपने वोज का क्या मतलब है, वरीज और ट्रबल्स, उसके परेशानियों को एक एक करके बताया. तो यहाँ पे रिकाउंट का मतलब है बताना, मन में याद करके एक एक करके बताने को हम रिकाउंट लिख रहे हैं यहाँ पे. ऑल राइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम. आई डोंट हैव इनफ मनी टू इवन ईट और क्लोथ माई सेल्फ. इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई विल नेवर हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, आई विल बी हैप्पी. सो विलेजर्स ने रिकाउंट किया अपने वोज को और उसको बताया, सेंट को बताया कि मेरे पास अपने आप को कपड़े पहनाने और खाने के भी पैसे नहीं हैं. ठीक है, अगर मेरे पास मनी होगा, इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई विल नेवर हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, दैट इफ़ आई हैव मनी, आई विल नेवर बी वरीड अबाउट माई क्लोदिंग और माई फूड एंड आई विल बी हैप्पी. He said to the Sufi saint, all right? Now, you are welcome to stay here for as long as you want. You will never be hungry here and will always be decently attired. The Sufi assured him. See, now, the Sufi saint is telling the villager now, you are welcome to stay here for as long as you want. Matlab, tum yahan pe jitna lamba chahe, as long as matlab, जितना हो सकता है उतना, एज सून एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतना, करेक्ट, जितना और उतना मतलब एज सून एज मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना, एज लॉन्ग एज मतलब जितना लंबा हो सकता है उतना. सो सूफी सेंट टोल्ड हिम कि तुम जब तक यहाँ चाहो वो रह सकते हो एंड तुम हमेशा, तुमको खाना मिलता रहेगा, तुम कभी भी ख़राब तरीके से ड्रेस्ड नहीं होगे, यू विल बी ऑलवेज बी decently attired. Attired का मतलब है dressed होना. ठीक है, सूफी ने अश्योर किया